नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विजय कृष्णा है। आप एक छोटी सी बात पर मेरे गौर कीजिए। अगर आप हमारा इतिहास जानते हो और हमारा कार्यशैली जानते हो हिंदुस्तानी लोगों की, तो इसमें बड़ी एक प्रिवेलेंट चीज़ है कि लोग हैं ना मिरेकल एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आपने किसी ने भगवत गीता पढ़ी हो और अगर आपको किसी तरीके से थोड़ा बहुत ज्ञान भी हो उसके बारे में, चाहे आपने सीरियल से देख के ही लिया हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने ऑलरेडी कई स्थान पर कहा है कि मिरेकल कुछ नहीं होता। अगर भगवान श्री कृष्ण चाहते तो मिरेकल करके एक मिनट में कौरवों किसी न को मार देते और काम ख़त्म था, इतना टंटा करने की क्या ज़रूरत थी। परंतु भगवान ये नहीं करते। भगवान ने सिंपल मैसेज दिया है भगवत गीता जी में कि कर्म करना अपने परिस्थितियों के हिसाब से मनुष्य के लिए ज़रूरी है। मैं यानी कि भगवान स्वयं केवल हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, सारथी बन सकते हैं, और जो काबिल हैं उनको सहायता दे सकते हैं समय पर, ज़रूरत पड़ने पर। तो भगवान का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। श्री कृष्णा बिल्कुल क्लियर बात करते हैं भगवद गीता में, यस मेरे पास आइए, मैं आपको सहायता करूँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा, क्योंकि ये मेरा काम ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ ही तो मेरी इच्छा से हो रहा है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट बात है कि आज हम जिस तरह के परिस्थितियों में घिरे हैं, चाहे वो COVID-19 की है या अभी अपने आसपास में इकोनॉमिक सिचुएशन है हमारे चारों तरफ, या हमारे आसपास के राष्ट्रों के साथ द्वंद्व युद्ध चल रहा है, किसी भी स्थिति में अगर देखेंगे तो हम उसी शॉर्टकट, उसी एक जादू की, एक मैजिक होने की उम्मीद करते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, तो वो मैजिक ने एक नया रूप ले लिया है। अब हर आदमी चाहता है कि ओह कोई प्रॉब्लम आई, ओह एक ऐप बना दो, ऐप से जादू हो जाएगा। फंक्शनल लेवल पर कोई काम ही नहीं करता है, कहते हैं अरे ये प्रॉब्लम है, कोविड हो गया, एक ऐप बना दो, उसमें हिसाब किताब लग जाएगा कौन कितने मर गए कितने जी गए। वो तो एक रजिस्टर पे भी हो सकता है। जरूरत क्या है एक जादू के एक्सपेक्टेशन की, जो काम मैं कागज पेंसिल से कर सकता हूँ। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें इस मेंटेलिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें ये एक जो अगर ये सस्टेनेबल सोसाइटी को क्रिएशन करना है, तो हमें एक मेंटेलिटी ज़रूर चेंज करनी पड़ेगी भारतीय समाज में, कि हमें मिरेकल्स, शॉर्टकट्स और शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन से थोड़ा बाहर, जुगाड़ जिसे कहते हैं ना, उनसे बाहर निकलो भाई। अगर हम उसे बाहर नहीं निकले तो हम ये सस्टेनेबल सोसाइटी नहीं बना पाएंगे। अभी मैं बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, ये तो बिल्कुल बेसिक है। तो इसीलिए आप सबको ये समझना चाहिए कि चाहे वो आप ये कहते हैं कि मैं चाइना से लड़ूंगा, तो मैंने फ़ोन में से ऐप निकाल दी, बहुत बड़ा काम किया आपने, अपना फ़ोन तोड़ दिया, चाइना की वेबसाइट ब्लॉक कर दी। अरे भाई इनसे कुछ नहीं होने वाला है, ये बहुत छोटे चिरकुट काइंड के स्टेप्स हैं जिससे चिरकुट रिजल्ट आएगा। हम क्यों नहीं जागृत होते, हम क्यों नहीं अपने आप को काबिल बनाते कि हम उसकी आँख में आँख मिला सकें। दुश्मन से लड़ने के लिए आपको उसके युद्ध कौशल, उसकी नीति और उसके जो उसकी ट्रिक्स है या टैक्टिक्स है, उसको इक्वलेंट आपकी कैपेबिलिटी बनानी पड़ती है। दुर्योधन चाहे कितना भी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी था, बट उसे युद्ध नीति का पूरा ज्ञान था, उसे पता था कि अगर मुझे अर्जुन की युद्ध नीति या युद्ध कौशल को चैलेंज करना है, तो मुझे उसके इक्विवेलेंट कर्ण चाहिए। उसने सारा महाभारत ही कर्ण के कंधों पर रचा, क्योंकि उसे पता था कि मैं अर्जुन का नहीं हरा सकता, अर्जुन के लिए मुझे काउंटर चाहिए। तो अर्जुन के जो इक्विवेलेंट लगा उसने उसे गोदी में बिठा लिया,
और पूरे जीवन यापन उसका किया, उसको राजा बनाया, उसको पूरा सम्मान दिया ताकि वो उसके साथ खड़ा रहे। ये होती है कौशल नीति, इक्वलेंसी। तो हमें अपने इतिहास से, हमें अपने सनातन धर्म के स्क्रिप्चर से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। अकल को मैं ये बोलता हूँ कि जादू से भगवान कुछ कर देते तो फिर ये सारे संसार को चलाने की ज़रूरत क्या है भगवान को? सब कुछ जादू से ही होता रहता है, सब कुछ अपने आप चलता रहता है। फिर तो फिर आपकी इतनी दुख मिजरी कुछ भी होने की ज़रूरत नहीं है ना। फिर तो आपको संसार में भी आने की ज़रूरत नहीं, फिर तो सिर्फ पपेट रहेंगी। अगर ये व्यवस्था बनाई गई है, सांसारिक नियम है और इसको चलाना है, तो इसके लिए आपको ईश्वर ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि का उपयोग करना ज़रूरी है। तो इसीलिए एक सस्टेनेबल समाज के लिए, आप हम इंजीनियर्स हैं तो इंजीनियर्स का काम करें, हम डॉक्टर्स हैं तो हमें उसमें एक्सेलेंस करना है। मुझे डॉक्टर में बनकर डॉक्टरी का क्लर्क नहीं बनना ना, मुझे इंजीनियरिंग करके इंजीनियरिंग का क्लर्क नहीं बनना, मुझे कागज़ काले नहीं करने चाहिए। इंजीनियर का काम है क्रिएशन, डॉक्टर का काम है हेल्थ ऑप्टिमाइजेशन। हम उस पर काम करते हैं क्या? नहीं, हमें हर चीज़ में शॉर्टकट चाहिए, हर चीज़ में आराम चाहिए। ये हमारे समाज की स्थिति है, इसको लेजी समाज कहते हैं। हिज डिवाइन ग्रेस इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य प्रभुपाद जी, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से कहा कि जो समाज लेजी होता है वो समाज ख़त्म हो जाता है। तो अपने समाज को जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है उसको बचाइए। आइए, मैं आह्वान करता हूँ आप सब लोग एक एक्टिव सामाजिक प्राणी बने, अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करें, यही आपसे अपेक्षित है और यही आपकी वैल्यू भी है। अदरवाइज तो कीड़े मकोड़े और गाय भैंस भेड़ बकरी और इंसानों में कोई फ़र्क नहीं है। 84 लाख योनियों में से आप एक हैं जो कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, तभी आप उन सब पर शासन करते हैं। तो उसका कुछ वर्थ दिखाना जरूरी है। सस्टेनेबल समाज का निर्माण अपने कर्तव्य निर्वहन और उसमें एक्सेलेंस से होगा, जादू की एक्सपेक्टेशन से नहीं होगा। ये ऑटोमेटिक कोई और दूसरा कर जाए काम। जादू का मतलब है नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस केस में जादू का मतलब ये होगा कि आपने भगवान के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी। हाँ भाई, भगवान कर लेगा। यही सोमनाथ में किया था ना आपने, क्या हुआ उसका? लुटेरे आए, लूट के चले गए, आप क्या कर पाए? तो इसलिए जागिए, अपने इतिहास से भी सबक लीजिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं इस देश के लिए तो एक जिम्मेवार नागरिक बनिए, जिम्मेवारी वाली बात कीजिए, जिम्मेवारी का वहन कीजिए, तभी कुछ आगे चीज़ें बढ़ेंगी, तभी ये समाज आगे बढ़ेगा, तभी ये देश आगे बढ़ेगा, तभी हमारा सनातन धर्म अक्षुण रह पाएगा। मेरी यही आपसे विनती है। हरे कृष्ण।